Hello students, so let us begin with our class 12th chapter number 1, that is solid state. Firstly, when we think of solid, what comes in our mind? Solid hota kya hai? So in our junior classes, we have studied that there are 3 states of matter, solid, liquid and gases. Ye 3 states of matter hoti hai. Teenon ki hame property thodi thodi to yaad hongi. क्या क्या प्रॉपर्टी होती है सॉलिड का होता है फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट होते हैं एकदम लेट मी राइट इट डाउन थोड़ा सा एक हम रिवीजन कर लेंगे हमारी जूनियर क्लासेस का सो व्हेन यू सी सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड अप लाइक दिस There is no freedom of any movement. Forces of attraction are very high. When we talk of liquid, there are little bit freedom for the particles to move. Thodi bahut freedom hoti hai. Particles mein gap thoda thoda to hota hai. Theek hai? Flexible. Gases. These are free species. They are free to move here and there in every direction without any restrictions. Particles are far apart. So what we can say? Solids mein particles are tightly packed. Liquids mein particles are little loosely bound and particles are very loosely bound. ठीक है? These are the introductory first points. Second is these are rigid. Let if I talk about this duster, this is a solid. ये एक rigid है. Rigid आइटम है मैं इसको प्रेस नहीं कर सकती मैं इसका शेप साइज चेंज नहीं कर सकती अंटिल एंड अनलेस इट इज ब्रोकन अप ठीक है तो सॉलिड्स आर रिजिड आल्सो लिक्विड्स आर नॉट दैट मच रिजिड एंड दीज आर नॉट रिजिड एट ऑल इसका एक एग्जांपल आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा That solids are not rigid at all. That is why we are able to move our hands freely in the air. Air में भी तो oxygen एक gas ही है ना तो हम अपने hand easily move कर पाते हैं There is no rigidity, कुछ हमें restrict नहीं कर रहा ठीक है So, this is about solids, liquids and gases. Force of attraction very strong. इन लोगों के पास में स्पेस ही नहीं होती इन लोगों ने एक दूसरे के पार्टिकल्स को जकड़ रखा है एकदम टाइटली दे कैन नॉट मूव वेयर एज हियर इफ वी टॉक अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज माइल्ड मतलब थोड़ा थोड़ा इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है बहुत टाइटली हाथ नहीं पकड़ रखा पार्टिकल्स ने इन गैसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी लेस बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर दूर है आराम से दे आर रिलैक्सिंग इन रिलैक्सिंग स्टेट दे आर इन रेस्ट्रिक्टेड टाइट स्टेट ठीक है सो दीज आर वेरी इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज जो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं सो नाउ एज आर टॉपिक सजेस्ट सॉलिड दिस मीन्स वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद लिक्विड एंड गैसेज सो इसको रब कर देते हैं एंड सॉलिड्स पे फोकस करते हैं ठीक है नाउ दीज प्रॉपर्टीज वी नो वेरी वेल अबाउट सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड दीज आर रिजिड दीज आर इनकॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब भी यही होता है लेट सपोज ये सॉलिड है मैं इसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकती मैं इसको ऐसे दबा नहीं सकती ठीक है बिकॉज इट इज अ सॉलिड एंड सॉलिड की क्या इंपॉर्टेंस है कहाँ आपको सॉलिड देखने को मिलता है आप जहां भी देखेंगे आपको सॉलिड आइटम तो देखने को मिलेगा ही इन आर एवरीडे लाइफ राइट व्हाट एवर यू थिंक ठीक है दिस मार्कर दिस ब्लैक बोर्ड दिस डस्टर और व्हाट एवर थिंग यू आर सराउंडेड बाय दिस टेबल एवरीथिंग टेबल चेयर एवरीथिंग इज अ सॉलिड सब चीजें सॉलिड है तो हम
क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 में सॉलिड्स के बारे में ही बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे होती है प्रॉपर्टीज, ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टडी द फर्दर कॉन्सेप्ट इज दैट सॉलिड्स इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स. फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स and second is amorphous solids. As the name suggests, crystalline solids का मतलब कुछ ना कुछ क्रिस्टल से रिलेटेड होगा एंड amorphous solids का मतलब amorphous word आपने नहीं सुना होगा. amorphous का मतलब कुछ इस तरीके से होता है जिसका कोई फॉर्म नहीं है, नो फॉर्म, मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर शेपिंग नहीं है. आप कुछ पर्टिकुलर एक फिक्स चीज उनके बारे में, उन सॉलिड्स के बारे में नहीं कह सकते या नहीं बता सकते. ठीक है, क्रिस्टलाइन की सारी प्रॉपर्टीज डेफिनेट होती है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ईच वन ऑफ देम एंड वन थिंग दैट शुड कम इन टू योर माइंड कि मैम ये सॉलिड्स का जो क्रिस्टलाइजेशन, ये जो आपने क्लासिफिकेशन किया है वो किस चीज पे बेस्ड है. तो इट इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. ये जो हमने डायग्राम बनाया इसमें पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं, इनमें हल्का सा वेरिएशन इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा कैसा है सॉलिड्स के अंदर. तो लेट अस स्टडी अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्स्ट. सो आपके जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इसकी पहली प्रॉपर्टी है डेफिनेट ज्योमेट्री. मतलब जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक डेफिनेट वे में अरेंज होंगे, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करेंगे ऑफ अरेंजमेंट, एक ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज होंगे. ऑर्डर्ड मैनर, लेट सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डिसिप्लिन्ड क्लासरूम. डिसिप्लिन्ड क्लासरूम, लेट सपोज जैसे आप सब बैठे हैं एंड आई हैव गिवन द टास्क, वी आर लाइक अटेंडिंग दिस क्लास फिजिकली. सो व्हाट विल हैपन, मैं ऐसे अरेंज कर दूंगी, लेट सपोज 5 बेंचेस हैं, तो दो बच्चे इधर, दो बच्चे जस्ट पीछे, दो बच्चे जस्ट उनके पीछे, दो बच्चे जस्ट उनके पीछे, ऐसे. एंड एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट, लाइक अगर एक बच्चा यहाँ है तो दूसरा बच्चा एग्जैक्ट प्लेस पे उसके जस्ट पीछे, थर्ड स्टूडेंट जस्ट उसके पीछे उतना ही डिस्टेंस पे, एंड देन जो इधर वाले बच्चे हैं वो भी प्रॉपर डिस्टेंसेस मेंटेन हो रहे होंगे, है ना, एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस, जैसे 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर तो 2 मीटर, एग्जैक्ट डिफरेंसेस मेंटेन होंगे. तो वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ज्योमेट्री, मतलब पार्टिकल एग्जैक्ट ऑर्डर में बैठे होंगे. ये अगर पार्टिकल इधर है तो इसके जस्ट नीचे एक इससे जुड़ा होगा, एक यहाँ होगा, एकदम क्लोजली टाइटली इन अ प्रॉपर अरेंजमेंट दे विल बी पैक्ड. ठीक है, ये हो गया क्रिस्टलाइन के बारे में. एक और चीज जो आती है माइंड में, दिस इज इट इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है, मतलब ये जो डेफिनेट ज्योमेट्री है, डिसिप्लिन ज्योमेट्री, ऑर्डर्ड रेगुलर पैटर्न वाली जो ज्योमेट्री है वो काफी आगे तक भी मेंटेन चलेगी. मतलब यहाँ अगर मैं ये लेट सपोज 3 रोज है, अगर मैं इस रो को 500 रोज भी कर दूं तब भी वो ज्योमेट्री मेंटेन रहेगी, पैटर्न डिसिप्लिन रहेगा. अगर मैं इधर एक्सटेंड कर दूं देन ऑल्सो अ पैटर्न विल बी रेगुलर एंड अ डेफिनेट ज्योमेट्री, अ डिसिप्लिन ज्योमेट्री. सो उसी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, कि आप कितना भी आगे तक उस पार्टिकल्स को अरेंजमेंट देख लो वो डेफिनेट ही रहेगा, एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन रहेगा. ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं को असली में ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है, कि ट्रू सॉलिड्स तो यही है क्योंकि ये सॉलिड्स की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी सारी, कुछ भी उसमें वायलेशन नहीं करते, सब प्रॉपर्टी मानते हैं. इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, विच इज ऑब्वियस. अगर ये ट्रू सॉलिड्स है, सॉलिड को मेल्ट करना मुश्किल है, इस डस्टर को मेल्ट करने में मुझे ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, सो मेल्टिंग पॉइंट इज ऑब्वियसली हायर. देन एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है आइसोट्रॉपी. आइसोट्रॉपी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है,
कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, जैसे डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करोगे अलग अलग एक्सिस से, मतलब जैसे एक बार आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करा एक्स एक्सिस से तो डिफरेंट वैल्यू आई, एक बार आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करा वाई एक्सिस से तो डिफरेंट वैल्यू आई, एक बार आपने मेजर करा उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जेड एक्सिस से तो यू विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू. सो इफ यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन डिफरेंट एक्सिस देन इट इज नोन एन आइसोट्रॉपिक. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू हर डायरेक्शंस में अलग होती हैं. जेड एक्सिस पे अलग वैल्यू आएगी, वाई पे अलग आएगी, जेड एक्सिस पे अलग वैल्यू होगी. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, इनकी वैल्यूज अलग अलग दिशा में, अलग अलग एक्सिस में अलग अलग वैल्यूज आती है. एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल है कोई भी क्रिस्टल, एज द नेम सजेस्ट ऑल द क्रिस्टल्स विल बी एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो NaCl का क्रिस्टल, क्वार्ट्स का क्रिस्टल, ये है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स. ओके, ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में. साथ ही हमने एक चीज पढ़ी थी amorphous solids, ठीक है. तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ऐसी ज्योमेट्री होगी ना, ऐसी डेफिनेट ज्योमेट्री कुछ भी, तो amorphous की ऐसी नहीं होगी. amorphous हो सकता है कुछ इस तरीके का सॉलिड हो, कुछ इस तरीके का सॉलिड ऐसे मिल जाए, ठीक है, डेफिनेट ज्योमेट्री फॉलो नहीं होती. तो इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इज क्लीवेज प्रॉपर्टी. क्लीवेज प्रॉपर्टी व्हाट इट सेज दैट अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को बीच में से क्लीव करूंगी, बीच में से इफ आई विल कट दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हाट विल हैपन, आई विल गेट अ क्लीन सरफेस. मुझे रफ सरफेस नहीं मिलेगा, मैं इसको बीच से क्लीव करूंगी तो मुझे क्लीन सरफेस मिलेगा. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लीव करेंगे तो आपको क्लीन सरफेस मिलेगा. सो दे गेट अ क्लीन क्लीवेज. Now these are the all properties we have covered of crystalline solids. I hope it is clear to you. Now let us switch to our amorphous solids. पहले मैं ये बता चुकी हूँ, no firm. We cannot expect a definite geometry. So first point is not a good definite ज्योमेट्री. एक अच्छी ज्योमेट्री आपको नहीं मिलेगी. इरेगुलर पैटर्न, अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट, इसका जस्ट ऑपोजिट ही होगा सब कुछ, है ना. क्या मतलब है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अनडिसिप्लिन्ड या लेस डिसिप्लिन क्लास. अनडिसिप्लिन तो नहीं बोलेंगे, लेस डिसिप्लिन बोलेंगे. लेट्स सपोज सब बच्चे एकदम शोर मचा रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे व्हेन टीचर वाज नॉट इन द क्लास. जैसे ही टीचर क्लास में आई, टीचर ने सबको डांट दिया कि आप दोनों इधर बैठ जाओ, आप दोनों उधर बैठ जाओ, ऐसे करके टीचर ने अरेंज करा दिया. एक डिसिप्लिन क्रिएट करने की टीचर हैज ट्राइड. सो व्हाट विल हैपन उस टाइम, एकदम से जल्दी में टीचर से डर के आप क्या करोगे, दो बच्चे इस बेंच पे बैठ गए, नेक्स्ट वाली बेंच पे तीन एकदम से बैठ गए डर के मारे, थर्ड वाली खाली रह गई. तो एक ऑर्डर मेंटेन नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है. कंप्लीटली इनडिसिप्लिन नहीं होते amorphous, लेकिन लिटिल बिट मतलब इनडिसिप्लिन होते हैं. कंप्लीटली इनडिसिप्लिन हो जाएंगे तो वो फिर सॉलिड्स की कैटेगरी में आ ही नहीं पाएंगे. सॉलिड्स का तो प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे ही ना, चाहे वो क्रिस्टलाइन हो चाहे वो amorphous हो. तो amorphous हल्के से indisciplined होते हैं, बट crystalline जैसे disciplined नहीं होते, ठीक है. तो very less order of arrangement is followed. कोई कुछ बैठ भी गए, कोई arrangement follow हो भी गया, कहीं नहीं भी हुआ, so this kind of irregularity is seen in the arrangement of particles. अगर मैं draw करूं तो जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें तो amorphous हो सकता है यहाँ हो, इसके जो empty spaces हैं
regular arrangement. There is a difference between these two figures, right? So this is an amorphous solid. Properties ये short range होते हैं. Short range मतलब अगर एक चलो वो discipline follow कर भी लेंगे कि particles एक के पीछे एक, एक के side में एक, बिल्कुल proper follow भी कर रहे हैं, तो वो बहुत short range तक ही वो चीज़ follow कर पाएंगे. They cannot complete it or they cannot continue it till the long range order, जैसे crystalline कर लेते हैं, तो वो short range तक follow कर सकते हैं. तो ये है short range order, short range order, ठीक है. क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड्स होते हैं, एमॉर्फस ट्रू सॉलिड्स नहीं होते. दीज आर नोन एज फॉल्स सॉलिड्स, फॉल्स सॉलिड्स, और नाम दूसरा है स्यूडो सॉलिड्स, स्यूडो सॉलिड्स. स्यूडो सॉलिड्स, ओके. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन का बहुत हाई होता है, एमॉर्फस का नहीं होता. नॉट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. एनआइसोट्रॉपिक होते हैं क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं. आइसोट्रॉपिक मीन्स इफ वी कैलकुलेट द फिजिकल प्रॉपर्टी, इट विल बी हैविंग द सेम वैल्यू इन ऑल द डायरेक्शंस. x एक्सिस से भी वही वैल्यू आएगी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की जो y एक्सिस से आएगी, और सेम वैल्यू ही z एक्सिस से आएगी, ठीक है. आगे चलते हैं. क्लीवेज की बात करी थी, क्रिस्टलाइन को बीच से कट करते हैं तो क्लीन क्लीवेज मिलता है, एमोर्फस में नहीं मिलता. यू विल गेट अ रफ सरफेस, सो नो क्लीन क्लीवेज, ठीक है. So this is about crystalline solids and amorphous solids. Examples of amorphous solids are remaining, so I am writing it out here. If you have not noted it down, then you can pause the video in between and then you can note it down. Examples of amorphous solids I am writing down here, that is plastics, rubber, PVC, that is polyvinyl chloride, used in pipes, plastics, rubber, PVC, cellophane, all these are examples of amorphous solids. So I hope today's lecture is clear to you. For any doubts, you can ask me later, and then thank you so much.